विभूते सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आदर्शना कुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्यमाना भयवक्रनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं गुरुमुखमनदीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादादुकामः ससुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाञ्चार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिभरं नाथं षड्देशिणं सेने संश्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविभेदबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम् वत्सान्नवायमनवस्तगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं साण्डिल्यावयवंसवारिदविधुं श्रीकौसलेशार्चकम् विश्वक्षेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वृन्दारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये तु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सख्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतम् शक्षास्त्राणवपारगामविदुषा मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये स जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यतामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतनायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिवेदिकराजाय नित्यश्रीनित्यमङ्गलं जयतिराज फणिराजवतारमणे प्रबलपासन्नतमो हरमानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती श्रीराय कीरति कलित ललित श्री अभी मायन जी की कीरत कलित ललित सी अभी आरती श्रीरा गावत ब्रह्मा दिग्मुनि मुनि जन धन सन तन को
वाक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्या सन्ति देवा ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम जय सियाराम। भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए समस्त श्रद्धालु भक्तों को सादर जय सियाराम। समस्त श्रद्धालु भक्तों को भारतीय नववर्ष नव संवत्सर की हार्दिक बधाई शुभकामना। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर वंदन नमन। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग आज विश्राम दिवस की पावन कथा को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे श्री अजयपाल सिंह जी से। श्री अजयपाल सिंह जी आप मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीष भैया जी आपसे भी सादर अनुरोध आप मंच पर आएँ पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपक जी आपसे भी सादर अनुरोध आप भी मंच पर आएं पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजित केला जी आपसे सादर अनुरोध आप मंच पर आएं पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शशिकला शर्मा जो दिल्ली से पधारी हैं शशिकला शर्मा जी आपसे सादर अनुरोध आप मंच पर आएं पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पवन पाठक जी आपसे भी सादर अनुरोध आप भी मंच पर आएं पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्णानंद झा जी आपसे सादर अनुरोध आप भी मंच पर आएँ। शालिनी महेश्वरी जी आपसे सादर अनुरोध आप मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्वेता जी शिवानी जी और हमारे श्रीनाथ द्वारा भगवान के प्रधान अर्चक श्री रत्नागिरी शास्त्री जी आपसे सादर अनुरोध आप मंच पर आएं पूज्य स्वामी और इसके साथ में इस क्रम को यहीं पर विश्राम देते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में हम अनुरोध करेंगे हम सबको आज की कथा श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य श्री स्वामी जी। चंद्र भगवान की जय श्री
राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुना पटरानी की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तिद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं अतृप्तस्तं मुनिं वंदे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुक्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेसार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीपरांकुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः, श्रीजानकीकान्तस्मरणं, श्रीराधाकान्तस्मरणं, संतपूर्वाचार्यासहायाः, बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधारानी की जय, श्री यमुना पटरानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, गो माता की जय, जय जय सीताराम। भगवान श्री अयोध्यानाथ की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम। Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram,
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति रामायण के माध्यम से हम सभी लोग विगत 6 दिनों से भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री आनंद स्वरूप केला जी, सपत्नी सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, भगवत भजन परायण संत वृंद, भगवत भक्त वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्री राम जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य भगवान का मंगलमय शब्दमय विग्रह है। बाल कांड ही भगवान का चरण है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मनमोह। अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। हृदय किसकिंधा सोहे,
और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान का कंठ है, युद्ध कांड लंका कांड ये भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये रामायण भगवान का मंगलमय विग्रह है। रामायण की कथा इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं, यह पुण्यमयी कथा वेद के समान है, वेदैश्च सम्मितं। यह पठेत रामचरितम्, जो इस रामचरित्र को पढ़ता है सुनता है, सर्व पापै प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और सुनने वाला पढ़ने वाला तो मुक्त होता ही है, उसके पुत्र पौत्रादि भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। सपुत्र पौत्रम सगणम प्रेत्य स्वर्गे महीयते, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस कथा को जो श्रवण करता है, इसका चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है, वो अपने पुत्र पौत्र परिवार के सहित भगवान के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। और इस कलिकाल में तो सारे साधन होते हुए भी नष्ट प्राय हैं, और उन साधनों के करने पर भी सफलता का संकेत प्राप्त नहीं होता। कहने के लिए ज्ञान मार्ग बड़ा उत्कृष्ट है, लिखा भी है, सब है, लेकिन वो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो पाता जीवन में। कर्म मार्ग, बोले कर्म मार्ग की भी बड़ी महिमा है शास्त्र में, लेकिन कर्म की कठिनता, इतने नियम इतने विधान, मनुष्य आज की इस परिस्थिति में उन कर्मों का समुचित पालन नहीं कर पाता, कहीं न कहीं उसके द्वारा कर्म का लोप हो ही जाता है। कितने कर्म हैं, बोले प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि के शयन तक कर्म ही करते रहो। उठो तो पहले आंख खोलने के पहले भगवान का स्मरण करो, फिर आंख खोलो तो किसी को मत देखो, अपने हाथ को ही देखो, प्रभाते कर दर्शन, फिर बिस्तर से नीचे उतरो, पृथ्वी पर पैर रखो तो पृथ्वी को प्रणाम करो मंत्र पढ़ करके, फिर श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके फिर नित्य क्रिया में जाओ। नित्य क्रिया में शास्त्रोचित जो शुद्धि अशुद्धि का विवेक है, उन सारे नियमों का पालन करो। उससे निवृत्त होने के बाद संध्या वंदन नित्य कर्म करो, फिर देवाराधन पंचदेवों की उपासना, फिर स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, फिर मध्यान्ह संध्या पितरों का तर्पण, नित्य श्राद्ध, और इसके अतिरिक्त आवसत्य होम, अग्निहोत्र, ये सब करते हुए जब सायंकाल की वेला आ जाए तो सायंकाल से फिर वही कर्म प्रारंभ, सायं संध्या वंदन, सायं अवसत्य होम, फिर अग्निहोत्र, फिर बलिवैश्वदेव, फिर इस प्रकार से कर्मों को करते रहे। ये तो इतने नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, कोई निमित्त आ जाए, कोई कारण उपस्थित हो जाए तो उस निमित्त जो कर्म शास्त्र कहे वो करो, वो अलग, वो तो एक्स्ट्रा है। इसके बाद इन कर्मों को करते हुए कहीं कोई कमी आ जाए, कुछ छूट जाए, बोले तो उसका प्राश्चित्त करो, वो प्राश्चित्त कर्म अलग, नित्य नैमित्तिक प्राश्चित्त। अब इसके बाद अगर कोई इच्छा है कि हमको अमुक फल मिले, अमुक फल चाहिए, तो फिर कोई कर्म करो, वो काम में कर्म, इतना कर्म। कर्म मार्ग भी बड़ा कठिन है, यथाशक्ति कर्म का अनुष्ठान करते रहना चाहिए,
कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप कर्म ये सब हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, ये सब कर्म भी बड़े कठिन हैं, यथाशक्ति व्यक्ति करता ही है। तो अनेकानेक सब विधान हैं, परंतु इन सब साधनों के होते हुए भी इस कलिकाल में एक ही आश्रय है, भगवान की भक्ति का, भगवान नाम का और भगवान के गुणानुवाद का। कलयुग में बड़े दोष हैं महाराज। कलयुग ने पहला काम यही किया, सभी साधनों को बिगाड़ दिया। जिन साधनों से जीव का कल्याण होता है वही साधन कलयुग बिगाड़ता है। वेदव्यास जी कहते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदंगतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया उसी दिन कलयुग आ गया। भगवान गए, कलयुग आया। कृष्ण पधारे, उनकी लीला का संवरण हुआ, कलयुग की लीला शुरू हो गई। वेदव्यास जी कहते हैं, सर्वसाधन बाधक, कलयुग प्रत्यक्ष आकर के कुछ नहीं करता अपितु सारे साधनों को ही बिगाड़ देता है, बांध देता है। जितने साधन, कर्म, ज्ञान, तप, सब साधनों को कलयुग ने विकृत कर दिया। ऐसी स्थिति में जीव के कल्याण का उपाय क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग में जो दोष है वो तो है, लेकिन कलयुग की बहुत निंदा भी मत करो। दिन भर कहोगे कलयुग बहुत खराब है, कलयुग बहुत खराब है, रहना कलयुग ही में है, कहाँ जाओगे? और जिसके राज्य में रहो कभी कभी उसकी भी बड़ाई कर देनी चाहिए, यही बुद्धिमानी। राजा से द्रोह नहीं करना चाहिए। राजा द्रोह करने पर राजा के पास बड़े साधन होते हैं, बड़ी शक्तियाँ होती हैं। इसलिए जो बहुत ज़्यादा कलयुग का विरोध करना भी ठीक नहीं, उसका काल है, परमात्मा ने उसको अवसर दिया है। ऐसी स्थिति में कलयुग के कुछ गुणों का भी चिंतन कर लेना चाहिए। क्या कलयुग का गुण है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है, ये तो सबसे बढ़िया है। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग की विशेषता है, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में भगवान के गुण को गाकर जीव बिना प्रयास के ही भवसागर से तर जाता है। कलयुग की इस विशेषता का अनुभव करते हुए भगवान का गुणानुवाद करते रहना चाहिए। भगवान के चरित्र को श्रवण करना, भगवान के चरित्र का वर्णन करना, भगवान के चरित्र का पाठ करना, इसी में मन को लगाए रहें, यही कलयुग में सबसे सरल और सुगम उपाय है। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग राम कथा की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज तो विश्राम दिवस है, भगवान की कथा तो अनंत है, ये तो महीनों तक चलती रहे, इसका कोई अंत नहीं। और सच्ची बात तो ये है, ये कथा पूरी न हो, कथा पूरी होनी भी नहीं चाहिए। पूरी नहीं रहेगी तो बार बार इसे पूरा करने के लिए कथा श्रवण और वाचन का कार्य होता रहेगा और हम धन्य होते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री थे श्री आचार्य जी, अयोध्या में प्रतिदिन 1 घंटे रामायण की कथा और 1 घंटे भागवत जी की कथा सुनाते थे, नित्य नियम से, कहीं नहीं जाते थे अयोध्या। 12 वर्ष, लगभग 13 वर्ष उन्होंने रामायण की कथा सुनाई, भागवत जी की कथा सुनाई, 1 घंटे भागवत, 1 घंटे रामायण। तो भागवत जी की कथा 9वें स्कंद तक पहुंची थी, 12 वर्ष में, लगभग 13 वर्ष। तो हम लोग श्रवण करने जाते थे तो महाराज जी से कहते, महाराज जी ये भागवत कब पूरी होगी, 13 वर्ष 12 वर्ष तो हो गए।
तो महाराज श्री हंसते थे, महाराज श्री कहते थे हम तो चाहते हैं कि ये पूरी न हो। बोले क्यों? बोले जब पूरी नहीं होगी तो राम जी फिर भेजेंगे और कहेंगे जाओ फिर कथा सुनाओ और फिर इसको पूरा करो, और फिर पूरी नहीं होगी तो फिर आएंगे। बार बार भगवान का गुणानुवाद ऐसे ही करते रहे। भगवान की कथा को पूर्ण करना उद्देश्य नहीं है, अपितु इन कथाओं को सुन करके अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेना, अपने जीवन की जो रिक्तता है उसे दूर कर देना, अपने जीवन को राम प्रेम से भर लेना, पूर्ण कर लेना, ये राम कथा का, कृष्ण कथा का उद्देश्य। कथा तो भगवान की अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुन ही बहुविधि सब संता। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने गृद्धराज जटायु का परम कल्याण किया। गृद्धराज जटायु ने श्री जानकी जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन उस स्थिति में भी मरते मरते गृद्धराज जटायु ने भगवान से कहा, रघुनंदन शोक मत करना, जिस मुहूर्त में जटायु जी ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे महाराज, जटायु जी ने कहा रघुनंदन जिस मुहूर्त में जिस काल में रावण ने सीता का हरण किया है उस मुहूर्त का नाम बिंद था, बिंद मुहूर्त, और उस मुहूर्त में कोई वस्तु अगर नष्ट होती है खो जाती है तो वह वस्तु अति शीघ्र प्राप्त होती है, ये इसका लक्षण है, इसलिए रघुनंदन निश्चिंत रहना सीता तुम्हें प्राप्त हो। गृद्धराज जटायु ने कहा कि ये न याति मुहूर्ते न सीता मादाय रावण, जिस मुहूर्त में रावण ने सीता जी का हरण किया, विप्रनष्टम धनम क्षिप्रम तत्स्वामी प्रतिपद्यते, उस मुहूर्त में वो वस्तु नष्ट होती है तो अति शीघ्र उस वस्तु का जो स्वामी है उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। बिंदो नाम मुहूर्तो सौ नच काकुस्थ सो बुधत त्वत्प्रियां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः, और उसी विंद नाम के मुहूर्त में रावण ने सीता का हरण किया है, और उस मुहूर्त का एक फल और भी है। क्या फल है? तो गृद्धराज कहते हैं कि झषवत बडिशम गृहीय क्षिप्रमेव विनश्यति, इस मुहूर्त में सीता जी का हरण किया है रावण ने, इसका फल यह है कि रावण का अति शीघ्र सकुल विनाश होगा। ये मुहूर्त का फल, मानो रावण के विनाश का शाप गृद्धराज जटायु ने दे दिया कि रावण का विनाश तय। फिर तो भगवान ने, भगवान की ही गोद में गृद्धराज जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया, और भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। यत यत प्रेतस्य मर्तस्य कथयन्ति द्विजातयः, ब्राह्मण लोग मर जाने वाले व्यक्ति के लिए जिन जिन नियमों का, पिंडदानादि कर्म का विधान बताते हैं, तत्स्वर्गमनम पित्रम तस्य रामो जजापः, राम जी ने उन सारे कर्मों को किया विधिपूर्वक। राम जी मनुष्य रूप में अवतरित हैं और गृद्धराज जटायु पक्षी हैं, लेकिन राम जी ने गृद्धराज जटायु का सब संस्कार विधिपूर्वक शास्त्र विधि से किया। तेहिकर क्रिया यथोचित निजकर कीन्ही राम, महर्षि कल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्याम गतिमात्मन शुभाम, महर्षि कल्पेन च सुसंस्कृतस्तदा, राम जी महर्षि कल्प है। कल्प का मतलब होता है तत्समान न होते हुए भी
तद्भिन्न होते हुए तत्सदृश जो हो उसको कल्प कहा जाता है। तो महर्षि का कल्प, महर्षि कल्प का मतलब जो महर्षि के समान, महर्षि कल्पेन संस्कृतस्तदा जगाम पुण्याम गतिमात्मन शुभाम। गृद्धराज जटायु को शुभ गति की प्राप्ति हुई और फिर भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गृद्धराज जटायु को भगवान ने वो गति दी जो गति बड़े बड़े जोगी चाहते, कोमल चित अति दीन दयाला, क्योंकि दीन दयाल रघुनंदन का चित्त हृदय अत्यंत कोमल है। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, अति दीन दयाला। ठाकुर जी अत्यंत दयालु और दीन दयालु, दीनों पर दया और दीन भगवान को अत्यंत प्रिय है। वेद भी यही कहते हैं कि भगवान को विद्वान प्रिय नहीं है, भगवान को धनवान प्रिय नहीं है, भगवान को गुणवान प्रिय नहीं है, भगवान को तो दीन प्रिय। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, किसी कारण से भगवान करुणा करते हैं ऐसा नहीं, अकारण करुणा वरुणालय। इस बात को लेकर के भी आचार्यों ने विचार किया कि भगवान अगर अकारण कृपा करते हैं तो फिर तो भगवान के विषय में भी प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। क्या प्रश्न? बोले जब भगवान अकारण कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा किसी पे भी हो सकती, जो भगवान का भजन करे, तप करे, भगवान की भक्ति करे उस पर भी कृपा, जो कुछ न करे उस पर भी कृपा हो जाए, क्योंकि कृपा तो अकारण है, उसमें कारण की कोई आवश्यकता ही नहीं। और जब सब पर अकारण ही कृपा होगी तो फिर उन साधनों को करने वाले पर जो कृपा हुई और जिन्होंने कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा हुई, फिर तो ये असंतुलित व्यवहार हो जाएगा। ये तो वही स्थिति हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भांजी टकासेर खाजा, टकासेर भांजी भी मिले टकासेर खाजा भी मिले, जो भजन करे, पूजन करे, तप करे, त्याग करे उस पर भी कृपा, जिसने कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा। क्यों? बोले कृपा के लिए कोई कारण तो है नहीं, अकारण करुणा वरुणालय, कारण बिनु रघुनाथ दयाला। बोले तब तो भगवान में भी, भगवान के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा, फिर तो भगवान में दो दोष की आपत्ति हो जाएगी। पहला दोष वैषम्य दोष, भगवान के अंदर विषमता है, जिसने इतना दुख सहा, जिसने इतने साधन किए उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल, ये तो वैषम्य है। और वैषम्य के साथ साथ दूसरा दोष नैर्घण्य, नैर्घण्य माने निर्दयता, भगवान इतने निर्दयी, जिसने इतना दुख सहा, इतना त्याग किया,
उसको भी वही फल दिया, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा कर दी, उसको भी वही फल दिया, तब तो ये नैर्घण्य हो जाएगा। तो वैषम्य और नैर्घण्य नाम के दोष की आपत्ति भगवान में उपस्थित हो जाएगी, और भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। ऐसी स्थिति में भगवान की अकारण की कृपा क्या है? तो आचार्यों ने कहा कि जीव के द्वारा अज्ञान में, जीव के द्वारा न जानकर जो सत्कर्म हो जाता है, स्वभावतः जो पुण्य कर्म हो जाता है, उन्हीं पुण्य कर्मों को कारण बना करके भगवान उस जीव को अपनी प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त कर देते हैं, उसे सत्संग प्रदान कर देते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। यही भगवान की अकारण कृपा है। कारण बना लेते हैं भगवान। क्या कारण बना लेते हैं? बोले उस जीव के द्वारा कोई अज्ञात सुकृत हुआ, भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति, और उसी सुकृत को कारण बना करके भगवान कृपा कर देते। जैसे आप यहां से किसी कार्य से जाओ, आप तो अपने स्वभाव से जा रहे हो, उधर से गौ माता आ रही थी, गौ माता के बाएं तरफ से निकलने का रास्ता नहीं था, तो आपने दाहिने तरफ से निकलने का प्रयास किया। आप स्वाभाविक रूप से जा रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि गौ के दाहिने से जाएं कि बाएं से जाएं, स्वाभाविक रूप से दाहिने अधिक जगह थी, उधर से आप निकल गए, तो भगवान ने इस पुण्य को आपके खाते में जोड़ लिया। क्या? बोले इसने गौ की परिक्रमा कर ली, गौ के दाहिने तरफ से गया। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, और गाय 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर है, इसने इतने देवताओं की परिक्रमा कर ली, इसने पुण्य कर लिया, वो पुण्य आपके हिसाब में जोड़ लिया भगवान। लेकिन ये हिसाब भगवान के पास रहता, ये अलग हिसाब है। जो चाह करके, विचार करके, संकल्प करके पुण्य हुआ, उसका हिसाब तो धर्मराज के पास रहता, लेकिन इसका हिसाब भगवान के पास। आप यहां से चले, रास्ते में पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के दाहिने तरफ से गुजर गए, तो भगवान ने मान लिया इसने अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा की, पुण्य हो गया। ऐसे ही अज्ञान में होने वाले पुण्यों को भगवान संचित करते रहते हैं, और समय आने पर उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप जीव को भगवान सत्संग प्रदान कर देते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, यही भगवान की करुणा होती है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोजी, गृद्धराज जटायु पक्षियों में भी अधम और आमिष भोगी, मांसाहारी, लेकिन गृद्धराज को भगवान ने गति दीन ही जो जांचत जोगी, बड़े बड़े जोगियों को जो गति मिलती है वो गति गृद्धराज को भगवान ने प्रदान किया। और फिर भगवान वहां से आगे चले, आगे जब वन में चले तो एक बड़ी भयानक राक्षसी आ गई, जिसका नाम था अयोमुखी। अयोमुखी नाम की राक्षसी आई और लंबोदरीम तीक्ष्ण दृष्टाम करालीम परुषत्वचम भक्षयंती मृगान भीमान विकटाम मुक्तमूर्धजाम, अनेक पशु पक्षियों का मांस भक्षण करती हुई वो अयोमुखी नाम की राक्षसी आ गई। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों सावधान हो गए। तब तक आकर के अयोमुखी राक्षसी ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया, और लक्ष्मण जी को पकड़ करके दोनों हाथों से अयोमुखी राक्षसी ने कहा, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम ऐसा करो मुझसे विवाह कर लो। वो अयोमुखी राक्षसी भगवान लक्ष्मण जी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव करने लगी, और
इस प्रकार जब अयोमुखी ने कहा तो लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ गया, एक तो सीता हरण का दुख, गृद्धराज जटायु के मरण का दुख, राम जी के दुख को देखकर लक्ष्मण जी व्यथित थे, और तब तक ये आ गई कहाँ से, और इसने कहा ब्याह करो। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अयोमुखी राक्षसी का नाक कान काट लिया, उसका भी नाक कान काट लिया। लक्ष्मण जी ने ताड़का का भी नाक कान काटा था बक्सर में, ताड़का को राम जी ने मारा, लेकिन राम जी मारे उसके पहले उसका नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया। सूर्पणखा का भी नाक कान काटा, अयोमुखी नाम की राक्षसी आई इसका भी नाक कान काट लिया। फिर तो वो चिल्लाती हुई कर्ण क्रंदन करती हुई जंगल में भाग गई। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण सीता जी का अन्वेषण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक महाविशालकाय राक्षस मिल गया, उसका नाम कबंध था, और कबंध ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। आवत ही आवत पंत कबंध निपाला, तेही सब कही साप के माता। आवत पंत कबंध निपाला, तेही सब कही साप के माता। तेही सब कही साप के माता, तेही सब कही साप। कबंध मिला, कबंध ने राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। बड़ी लंबी भुजा थी उसकी, जिस भुजा से राम जी को लक्ष्मण को पकड़ा वो भुजा तो दिख रही थी, लेकिन ये भुजा कहां से आ रही है, कितनी दूर से किसकी भुजा है, वो व्यक्ति नहीं दिख रहा। तुरंत भगवान श्री राम ने, कुमार लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी भुजा को काट दिया। चिच्छेद रामो वेगेन सव्यम वीरस्तु लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने कबंध की भुजा को जब काट दिया, तब कबंध प्रकट हुआ, सामने आ गया, और कबंध ने कहा आप दशरथ नंदन राम हैं। राम जी ने कहा हाँ। कबंध ने कहा मैं स्थूल सिरा नाम के महर्षि के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, मैंने तपस्या करके बहुत बल अर्जित किया, और बल में उद्धत होकर अभिमान में आकर के मैं इंद्र से लड़ने के लिए गया, तो इंद्र ने अपने वज्र से मेरे सिर पर जब प्रहार किया, तो इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर जो है वो पेट के अंदर घुस गया। इंद्र ने जब वज्र से प्रहार किया तो कबंध का सिर जो है वो पेट में चला गया, और नीचे के दोनों पांव जो थे वो भी भीतर चले गए, केवल बस इतना ही बचा, और दो भुजाएं बची, वो पड़ा रहता था एक जगह। बाद में इंद्र ने कहा ठीक है, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल रहेंगी, तुम अपनी इन्हीं भुजाओं से टटोल करके कोई वस्तु मिल जाए तो उसको लेकर के खा लिया करना, तुम्हारे भोजन की यही व्यवस्था रहेगी। कबंध इसी प्रकार जीवन यापन करता था। कबंध ने कहा मेरा उद्धार कब होगा, तो इंद्र ने कहा कि जब रघुनंदन आएंगे और उनके द्वारा तुम्हारे शरीर का दाह होगा, तुम्हारे शरीर में ये जो कुंटलों मेद है, ये मेद जब जल करके भस्म हो जाएगा तब तुम्हें पुनः दिव्य देह की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा ज्ञान भी जागृत हो जाएगा, ये सब कहा था। कबंध ने रघुनाथ जी से कहा आप राम भद्र हैं, सत्वम रामोसि भद्रम ते नाहमन्येन राघव। इस कबंध ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगला शासन की बात कर रहे थे कि रामायण में सभी लोगों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, तो ये कबंध भी भगवान को आशीर्वाद दे रहा है।
कबंद ने कहा सत्वम रामोसि भद्रम ते, हे राम तुम्हारा भद्र हो कल्याण हो। नाहम अन्येन राघव सक्यो हन्तुम यथा तत्त्वम एव मुक्तम महर्षिणा, मेरा वध कोई कर नहीं सकता, मेरे मृत्यु का एक ही उपाय है, आप मुझे अग्नि में दग्ध कर दो, मुझे जला दो, और जब मैं अग्नि में जल करके दिव्य रूप प्राप्त कर लूंगा तब मेरा ज्ञान भी दिव्य हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको कहाँ जाना है और आपको सीता की प्राप्ति कैसे हो। तो भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने कबंध का दाह संस्कार किया, जंगल की लकड़ियों को एकत्रित करके भगवान श्री राम ने कबंध को उसी अग्नि में चिता में जलाया। कबंध का शरीर जब जल गया तो उस चिता से एक दिव्य देवता के रूप में वो कबंध प्रकट हुआ और उसका ज्ञान दिव्य हो गया। तब कबंध ने कहा आप यहां से आगे जाएं, यहां से आगे आप जाएंगे तो आपको एक श्रमणी मिलेगी, वो भीलनी है, मतंग मुनि की शिष्या है, आप उसके आतिथ्य को स्वीकार करेंगे, फिर उसके द्वारा आपका मार्गदर्शन होगा और वो मार्ग बताएगी कि किष्किंधा में सुग्रीव से आपकी भेंट कैसे होगी, फिर सीता के अन्वेषण का सारा कार्य संपन्न होगा। ये सब कह करके कबंध दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम चला गया। भगवान वहां से आगे बढ़े मतंग मुनि के आश्रम की ओर, और जब आगे बढ़े तो आगे जाने पर सबरी का आश्रम मिला। ये सबरी सबर जाति की भीलनी है, मतंग मुनि की शिष्या है, मतंग मुनि की इसने बड़ी सेवा की और सिद्धा है, तपस्या में सिद्धि की प्राप्ति हुई। मतंग मुनि जब भगवत धाम जाने लगे तो सबरी ने कहा गुरुदेव आप तो भगवत धाम जा रहे हैं, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो मतंग मुनि ने कहा सबरी भगवान को ढूंढने के लिए तुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान ही ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। सबरी बड़ी प्रसन्न हुई, सबरी पूछना चाहती थी कब आएंगे, किस दिन आएंगे, तब तक मतंग मुनि चले गए विमान में बैठ, वो पूछ नहीं पाई कि भगवान कब। सबरी अपने गुरुदेव से पूछ नहीं पाई कि गुरुदेव प्रभु कब आएंगे, गुरुदेव चले गए। सबरी को विश्वास कि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे तो आज भी आ सकते हैं और अभी भी आ सकते हैं,
और कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि काल का निर्धारण तो गुरुजी ने किया नहीं था। गुरुजी ने कहा था भगवान यहीं आएंगे। अब सबरी ने सोचा कब आएंगे ये तो पता नहीं है, इसलिए मुझे तो हर क्षण तैयार रहना चाहिए, कब पता नहीं भगवान किधर से आ जाएं, ठाकुर जी किधर से पधार जाएं, कब आ जाएं, इसलिए हर समय उनके स्वागत की मुझे तैयारी रखनी चाहिए। और गुरुदेव के वचन में दृढ़ विश्वास, गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे। गुरु के वचन में जिसको प्रतीति नहीं होती उसे कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने हो सुगम न सुख सिद्ध तेही, सपने में भी उसे सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन में और शास्त्र के वचन में जो दृढ़ विश्वास है इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास में कोई अंतर नहीं। श्रद्धा की जो परिभाषा कही गई वो यही कही गई है, शास्त्र गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। शास्त्र में और गुरुजनों के वाक्य में जो विश्वास होता है उसी का नाम श्रद्धा है। केवल शब्द का अंतर, श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द है और विश्वास पुल्लिंग शब्द है। विश्वास हुआ श्रद्धा हुई ऐसा कहा जाता है, अर्थ दोनों का एक ही। तो गुरु में और शास्त्र के वचनों में विश्वास हो इसी का नाम श्रद्धा है, और गुरु के वचन में विश्वास हो उसी को सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुख मन सुख सिद्धि के, गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचन प्रतीत न जे। सबरी को गुरु जी की वाणी में विश्वास, भगवान आएंगे, और प्रतिदिन वो तैयारी करके रहते, कुटिया में झाड़ू लगाकर, गाय के गोबर से लीप कर, सुंदर वेदी बनाकर, वेदी के ऊपर कुश का आस्तरण बिछाकर, सुंदर सुंदर पुष्प की ताजा ताजा माला तैयार करके, वन्य कंदमूल फल को ला करके टोकरी में धो करके पवित्र करके रख कर रोज तैयारी करके बैठती, आ जाएंगे भगवान। और सवेरे से शाम तक वो प्रतीक्षा करती, कहीं नहीं जाती, हर क्षण उसे लगता भगवान आने वाले। एक पक्षी भी आश्रम की कुटिया के आसपास आ जाए, थोड़ी आहट मिले, तो सबरी को लगता शायद भगवान आ गए, दौड़ करके देखने जाती, और जब भगवान न दिखते तो फिर आकर के बैठ जाती। इस प्रकार मतंग मुनि के चले जाने के बाद वर्षों तक सबरी ने प्रतीक्षा की, और कितना धैर्य था सबरी में, एक दिन दो दिन नहीं वर्षों बीत गए, रोज तैयारी करती, और शाम हो जाती, सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, भगवान नहीं आए, उसका विश्वास नहीं टूटता था। फिर जाकर के विश्राम करती थी इस आशा में, आज नहीं आए भगवान अब कल आएंगे, और फिर वही तैयारी, और यही करते करते वर्षों बीत गए। और उसकी ये भावना थी, ठाकुर जी आएंगे मेरे भी घर को पवित्र करेंगे। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम, धन्य जीवन।
लगे न कोई कोमल है राग की काटे लगे न कोई कोमल है राग की तबली समाज राज का आएंगे राग की सबरी सवार राज का कलिया में मेरे पापों से चुन चुन के लागी कलिया में मेरे पापों से चुन चुन के लागी खटते हो चाहे भीगे खटते हो चाहे भीगे आए के राम जी खटते हो चाहे भीगे राम जी सबरी फुहार राज का आएंगे राम जी सबरी फुहार राज का आएंगे राम जी आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई भगवान जब आए तो दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े आदर पूर्वक लेकर के आई विराजमान किया चरण प्रक्षालन किया माला पहनाई कंद मूल फल प्रस्तुत किया बेर फल प्रस्तुत किया तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के चरणों में सबरी ने प्रणाम किया तो भगवान ने सबरी का कुशल समाचार पूछा। भगवान ने पूछा कि कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। भगवान ने ये नहीं पूछा तुम वन में कैसे रहती हो क्या खाती हो तुम्हारा जीवन कैसे चलता है ये सब नहीं पूछा। राम जी ने पूछा सबरी तुमने जो गुरु की सेवा की वो तुम्हारी सेवा क्या सफल हो गई। कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी गुरु की जो सेवा तुमने की तुम्हारी वो सेवा सफल हुई। सबरी ने कहा प्रभो आप पधारे आपका दर्शन हुआ गुरु सेवा सफल हो गई यही तो गुरु सेवा का फल है। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता ससम सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धिस्तव संदर्शनान्मया आपके दर्शन से आज मेरी तपस्या सफल हो गई और गुरुदेव की हमने जो सेवा की थी वो सेवा सफल हो गई आज उनकी वाणी सिद्ध हो गई आप पधारे
सबरी ने भगवान को बेर फल दिया खाने के लिए और कहा कि मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुषव्याघ्र पंपायास्तीर संभवम्। पंपा सरोवर के तीर पर जो वृक्ष हैं उन वृक्षों से चुनकर इन फलों को मैं लाई हूँ, आप इन्हें खाओ। लोग कहते हैं सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि राम जी को सबरी ने जूठे बेर खिलाए, न गोस्वामी जी ने कहीं लिखा और न महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, न कहीं अन्यत्र। सबरी भगवान को जूठे बेर देगी ये तो कल्पना से परे, मतंग मुनि की शिष्या होकर जिसने इतने बड़े महापुरुष का संग किया उस सबरी को इतना तो ज्ञान होगा ही आचार विचार का कि जिसका हम आदर करें, जिसका सम्मान करें, जिसकी पूजा करें उसे पवित्र वस्तु भेंट करनी चाहिए, वो जूठा भगवान को कैसे खिलाए। लेकिन लोक में ये प्रचलित है, चर्चा होती, सबरी ने भगवान को जूठा बेर खिलाया और इसके नाम पर तो और भी कितनी बातें हो जाती। बड़े बड़े संत महात्मा किसी भक्त के यहाँ जाते हैं तो भक्त लोग कहते हैं महाराज हमारी इच्छा है हम आपको अमुक वस्तु बना करके खिलाऊं। महात्मा का नियम, महात्मा तो अपने बनाते पाते उनके जो नियम होते, लोग कहते हैं महाराज हम बनावें हमारे हाथ का पाओ, तो महात्मा कहते नहीं हमारा तो नियम है। तो लोग कहते हैं भगवान ने जब सबरी के जूठे बेर खा लिए प्रेम में तो आप हमारे हाथ का बनाया नहीं खा सकते, ये तर्क देते हैं कि भगवान ने सबरी के जूठे बेर प्रेम में खा लिए, अपने नियम को छोड़ दिया तो आप हमारे हाथ का बनाया क्यों नहीं पाओगे, पाओ आपका अगर प्रेम है। बात सही है, पहली बात तो भगवान ने जूठे बेर खाए नहीं, और अगर कथनचित ये बात सत्य मानी भी जाए तो भगवान भगवान हैं, भगवान समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम समर्थ नहीं हैं, हम भगवान की नकल नहीं कर सकते, भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा किया, भगवान का जो चरित्र अनुकरणीय है, जो हमारे अनुकरण के योग्य है, हमारी क्षमता के अनुकूल है, उन्हीं चरित्रों का हम अनुकरण कर सकते हैं, बाकी भगवान ने तो बहुत कुछ किया। भगवान ने तो गृद्धराज जटायु को अपने संकल्प से वैकुंठ भेज दिया, हम किसी को भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। तो भगवान की बराबरी हर जगह करनी, भगवान ने ऐसा किया इसलिए ऐसा करें। भगवान भगवान है, भगवान की लीला अति मानुष लीला है। तो सबरी ने भगवान को बेर फल दिया, भगवान ने बेर फल खाए और उस बेर फल को खाने में भगवान को जो स्वाद मिला वो स्वाद भगवान को फिर कभी नहीं मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान वन की यात्रा से लौट करके अयोध्या आए तो बड़ी तैयारी हुई, राम जी इतने दिनों बाद वन से आ रहे हैं, वन में कभी पकवान व्यंजन खाने को मिला नहीं होगा तो भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके खिलाओ। तो घर में बड़ी तैयारी हुई, माँ कौशल्या ने सारे रसोइयों को लगाया, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, 56 भोग बन करके तैयार हुआ। राम जी को भोजन कराने बैठी माँ कौशल्या, जब राम जी भोजन करने लगे तो माँ कौशल्या ने बड़े प्यार से पूछा बेटा ये भोजन कैसा बना है। तो राम जी ने कहा मैया बहुत सुंदर बना है, बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन मैया ने कहा लेकिन, राम जी ने कहा हाँ मैया सुंदर तो बहुत है लेकिन वो जंगल में सबरी ने जो हमको बेर खिलाया था वो स्वाद इसमें नहीं आ रहा है। एक दिन गुरु जी के घर गए, गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने यहां निमंत्रण रखा, अरुंधति मैया ने कहा रघुनंदन वन से आए हैं, एक दिन वो आश्रम में आवे और यहां उनकी प्रसादी हो। मां अरुंधति ने अपने कर कमल से सुंदर व्यंजन बनाया और रघुनाथ जी को परोस करके जब भोजन खिलाने लगी तो मां अरुंधति ने कहा राम
ये व्यंजन कैसा लग रहा है, कैसा स्वाद है। तो राम जी ने कहा, मैया स्वाद तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो जंगल में एक सबरी मैया ने जो बेर खिलाया था वो स्वाद इसमें भी नहीं। गुरु जी के द्वारा, गुरु माता के द्वारा दिए गए व्यंजन में भी वो स्वाद अनुभव नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों बाद जनकपुर से निमंत्रण आया। जनक जी ने कहा, वन से यात्रा करके आए हैं तो सीता को साथ में लेकर जनकपुर पधारे, यहां उनकी खातिरदारी हो, कुछ मेहमानी हो। तो राम जी ससुराल पधारे जनकपुर, वहां तो बड़ी तैयारी हुई। ससुराल में तो ऐसे भी खूब दूल्हा को खिलाया जाता है, 56 भोग 3600 व्यंजन, और भोजन के साथ साथ मीठी मीठी गारी भी सुनाई जाती है, और गारी सुनकर के भोजन करने का स्वाद और बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुनी अति अनुराग। गारी सुनकर के और अनुराग बढ़ता, वहां भी भोजन हुआ। वहां जब सासू माँ ने भोजन कराया तो सासू माँ ने पूछा, कंवर जी, रघुनाथ जी, भोजन कैसा लगा? तो राम जी ने कहा, मैया भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो जंगल में हमको सबरी मैया ने जो खिलाया था वो स्वाद यहां भी नहीं। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे जहां जब भई पहुनाई, जहां जहां राम जी की पहुनाई हुई तब तह कहीं सबरी के फलन की रस माधुरी न पा, कहीं भी सबरी के फल का वो स्वाद राम जी को नहीं मिला। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, भैया जह पहुनाई, तब तह कही सब री के फल की, तब तह कही सब री के फल की, रुचि माधुरी न पाई, हो रुचि माधुरी न पाई, ज्ञान कि सबरी के फल में जो स्वाद था वो स्वाद हमको फिर कभी नहीं मिला। फिर शायद सबरी के बेर का वो फल का स्वाद भगवान को फिर सीधे द्वापर युग में ही मिला। और द्वापर युग में कब मिला? जब भगवान विदुर जी के घर पधारे और विदुरानी ने केले का छिलका खिलाया तब वो स्वाद मिला राम जी। वो स्वाद ठाकुर को कभी कभी मिलता है, वस्तु में स्वाद नहीं होता, खिलाने वाले व्यक्ति की भावना और प्रेम में स्वाद होता। वह प्रेम भगवान को फिर द्वापर युग में ही मिला। तो सबरी के वर भगवान ने करुणा की और फिर भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। भगवान ने कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। हे सबरी, मैं तुमको नवधा भक्ति बता रहा हूं, इस नवधा भक्ति को सावधानी पूर्वक सुनो और सुन करके इसको तुम अपने मन में धारण करना। सावधान सुन धर मन माही। भगवान ने यह नहीं कहा कि इसको बुद्धि में रखना। भगवान ने कहा, यह भक्ति मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इसको मन में रखना।
भक्ति को अगर बुद्धि के माध्यम से हम करना चाहें तो भक्ति कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति मन से होती। बुद्धि तर्क प्रधान होती है, बुद्धि तो तर्क करती है, और तर्क करने वाली बुद्धि तर्क ही करती रह जाएगी कि भक्ति करने से कुछ होता भी है, ये राम राम कहने से राम जी मिलेंगे? बुद्धि कहेगी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है? तर्क ये भी है, लोग कहते हैं रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती, तो फिर राम राम कहने से राम जी कैसे मिले? बुद्धि ऐसे कुतर्क करने लगती है, इसलिए बुद्धि से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो मन से होती। मन का काम है मानना और बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि कहती है हम जान लेंगे तब हम मानेंगे, और मन बोले मन कहता हम मान लेंगे जानेंगे बाद में देखा जाएगा, पहले तो मान ले। तो मन मानता है और बुद्धि जानती है, दोनों का समन्वय अंत में होता है। लेकिन अगर बुद्धि को पहले लगाएंगे बोले तो कभी भगवान की भक्ति जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मन भगवान में लगा। भगवान ने कहा सावधान सुन धर्म मन माए, नवधा भगत कहो तो ही पाई, नवधा भगत कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माए, सावधान सुन धर्म मन माए, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, शरीर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तज दान, चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तज दान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भजन सुभेद प्रकाशा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समुई मैं जग देखा, सातम समुई मैं जग देखा, होते अधिक संत कर देखा, होते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन चलहिना, नवम सरल सब सन चलहिना, हम भरोस ही हरस न दीना, हम भरोस ही हरस न दीना, नो मोह के तो जिनके होई, नो मोह तो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, तो यहां तक भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति के दो क्रम हैं, भक्ति के कई क्रम का वर्णन है। भागवत जी में प्रहलाद जी ने जो बताया उसका क्रम अलग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो क्रम। और नारद पांचरात्र आगम में अष्टधा भक्ति का वर्णन, नवधा नहीं अष्टधा भक्ति। और यहां पर राम जी ने जो नवधा भक्ति कही इसका क्रम अलग है। इसमें पहली भक्ति बताया सत्संग, वहां पर पहली भक्ति श्रवण, श्रवणम भगवान की कथा सुनना,
और यहाँ पर श्रवण भक्ति को दूसरी भक्ति कहा राम जी ने। प्रथम भक्ति क्या बोले, संतों का संग। ये भक्ति के, नवधा भक्ति के दो क्रम हैं। दोनों क्रम का गोस्वामी जी ने संकेत किया। एक क्रम तो ये जो राम जी सबरी मैया को बता रहे हैं, और दूसरा क्रम प्रहलाद जी ने जो हिरण्यकश्यपु के सम्मुख कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो उसका संकेत करते हैं श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई। वो श्रवणाधिक भक्ति माने श्रवण क्रिकम से, और यहां पर पहली भक्ति सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान कहते हैं पहली भक्ति ये है कि संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संग, और संतों के संग का परिणाम बोले भगवान की कथा मिलेगी। तो पहली भक्ति संतों का संग, और संतों के संग में कोई नियम नहीं। आगे जितनी भक्ति राम जी ने बताई सब भक्ति में नियम लगाया, शर्तें लगा दी हैं राम जी ने, लेकिन पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं। भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो है संतों का संग करो बस। और जब दूसरी भक्ति बताया तो भगवान कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में शर्त ये है कि कथा में रति हो, प्रेम हो, और कथा में रति नहीं, प्रेम नहीं, तो कथा श्रवण भक्ति भी सफल नहीं। तीसरी भक्ति बताई गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, गुरु के पद पंकज की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त, बोले अमान, मान रहित होकर, गर्व रहित होकर, अभिमान रहित होकर गुरु के पद पंकज की सेवा करें। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, ये अमान होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। अनारंभ अनिकेत अमानी, ये होना ही बड़ा कठिन। बड़े से बड़े लोग गुरुओं की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के बाद कहीं ना कहीं मन में अभिमान आ जाता, हम इतना करते। अमान होकर गुरु की सेवा करे तो गुरु भक्ति, ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा, चौथी भक्ति भगवान के गुण का गान, भगवान के गुणों का गायन करना, ये चौथी भक्ति भगवान ने बताई। लेकिन इसमें भी शर्त है, बोले क्या, बोले कर ही कपट तज ज्ञान, कपट का त्याग कर। कपट क्या है, बोले वही कपट जो भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्जित कहितवोत्र परमो, वही कहितव कपट। भगवान के गुण का गान करो, लेकिन अगर उसमें कपट है कि इसका फल हमको क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या होगा, इन सारी भावनाओं से भगवान का गुण कीर्तन हो तो फिर वो भक्ति सफल नहीं। कपट का त्याग कर, करई कपट तज गान। पांचवी भक्ति भगवान ने बताई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है, बोले मंत्र का जप। गुरुजी ने जो मंत्र दिया, जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ, उस मंत्र का जप, मंत्र जाप। लेकिन मंत्र जाप में शर्त क्या लगाई भगवान ने, बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। मंत्र रोज हम जपें और विश्वास नहीं। मंत्र तो जपते हैं, बोले नियम लिए हैं 10 माला 21 माला इतना करेंगे, लेकिन मन में विश्वास नहीं कि जपने से कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर अविश्वास हुआ तो जपते जपते माला घिस जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर बहुत जपने की जरूरत नहीं, कम में भी अल्प में भी आपको सफलता मिल जाएगी, आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दृढ़ विश्वास,
श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल में टीका में कहते हैं कि विश्वास से मंत्र का जप किया तो परिणाम क्या, बोले जपते ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई। एक बार सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम, जो मंत्र गुरु ने दिया उस मंत्र में दृढ़ विश्वास हो तो शास्त्र तो यहां तक कहता है कि सकृत उच्चारण मात्रेण, एक बार बस गुरु जी ने जो मंत्र दिया एक बार विश्वास से उच्चारण हो उतने मात्र से उसको परम पद की प्राप्ति होगी। सकृत उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम, जपते ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई, लेकिन विश्वास नहीं होता। हम मंत्र जपते हैं, सब करते हैं, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर बना रहता है। और जैसा विश्वास होता वैसे फल होता है, जैसी भावना होती वैसा फल होता है। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवती तादृशी, जैसी भावना होगी सिद्धि भी वैसी होगी। और दुर्भाग्य जीव का कि डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, कोर्ट कचहरी पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर ही विश्वास नहीं होता, मंत्र पर विश्वास नहीं, शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते, पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो फिर फल नहीं होता। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति। और छठवीं भक्ति बोले छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठवीं भक्ति। छठदमशील, अपनी इंद्रियों को विषय में जाने से रोक लेना, इतना दम तुम्हारे अंदर हो, इसी का नाम दम। इंद्रियों को विषय में जाने से हम रोक लें इसका नाम दम, छठ दमशील। और हमारे अंदर शील हो, संकोच, और विरत बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से हम विरत हो जाएं, बहुत कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होगी तो फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे कर्मों में प्रवृत्ति हो, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी लिखा है ये भी हम कर डालें, ये लिखा है इसका फल ये है ये भी कर डाले, बोले साहब करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए, विरत बहुकर्म। लेकिन शर्त क्या है, बोले इस छठवीं भक्ति में शर्त ये है कि निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म का अनुसरण करते रहो, ये शर्त है। और सातवीं भक्ति बोले सातों सम मोहिमय जग देखा, ये सातवीं भक्ति। भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो, सातों सम मोहिमय जग देखा, सी राम में सब जग जानी, सर्वत्र भगवान को ही हम देखें, ये संसार हमें भगवत रूप दिखाई पड़ने लग जाए। लेकिन इसमें शर्त क्या है, कहते हैं शर्त ये है कि सातों सम मोहिमय जग देखा, लेकिन शर्त यह है कि मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों में तुम्हारा प्रेम, मुझसे अधिक मेरे भक्तों को समझो, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों से प्रेम रखो, ये शर्त है। जब भगवान के भक्तों में हमारी अति प्रीति होती है तभी सारे संसार में भगवान का दर्शन हो पाता है। भगवान के भक्तों में अति प्रीति नहीं हुई तो चौपाई चाहे जितना गाते रहो, सी राम में सब जग जानी, सी राम में सब जग जानी, कहीं सीताराम जी नहीं दिखते हो, कहीं कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से राग होता है, सब होता रहता है। जब संतों में हमारा भाव अत्यंत दृढ़ होगा और संतों के प्रति हम भगवत भाव रखेंगे और भगवान से बढ़कर संतों की महिमा को समझें तो फिर सर्वत्र भगवान दिखने लग जाते। मोते अधिक संत करी लेखा। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए,
कुलशेखर आलवार, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में उनकी निष्ठा थी। रोज तैयारी करते थे, चलो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। राजा ही थे, रथ तैयार होता, सामग्री रखी जाती, भगवान को जो भेंट समर्पण करना सब भेंट तैयार किया जाता, और जब चलने का समय आता तो यात्रा स्थगित हो जाती। प्रतिदिन यही होता था, घुस्यते नगरे यस्य रंगयात्रा दिने दिने, प्रतिदिन घोषणा होती थी रंगनाथ भगवान की यात्रा होगी, और जब यात्रा करने चले तो यात्रा स्थगित। क्यों? बोले मंत्री सब बड़े बुद्धिमान थे, सब मंत्री सोचते थे ये राजा बड़ा भक्त है, ये जाएगा और रंगनाथ भगवान का अगर दर्शन किया तो फिर ये लौट करके फिर कभी नहीं आएगा, ये भगवान का ही हो करके रह जाएगा और ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। तो वो मंत्री लोग क्या करते थे, बोले राजा की निष्ठा भगवान के भक्तों में, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों में निष्ठा है राजा की। तो सब मंत्री लोग क्या करते, बोले पहले ही एक दिन पहले कहीं से संत महात्माओं को बुला करके ठहरा करके रखते, और जब राजा रथ में बैठकर यात्रा करने के लिए चले उसी समय उन संत महात्माओं को बुला लेते। और वो संत महात्मा आवे तो राजा अपने रथ से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम करे और आदर पूर्वक लेकर के आवे, और राजा कुलशेखर कहते अब आज की यात्रा कैंसिल करो, स्थगित करो, आज मेरे यहाँ संत भगवान पधार गए, अब तो हम इनकी सेवा करेंगे और इनका दर्शन करेंगे, और उसी में राजा कुलशेखर लग जाते थे। ऐसे ही प्रतिदिन घोषणा होती थी, घुस्यते नगरे यस्य रंगयात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा बंदे राजानम कुलशेखरम, ऐसे कुलशेखर भक्त। तो भगवान के भक्तों में भगवान से भी ज्यादा निष्ठा, मोते अधिक संत करी लेखा, ये सातवीं भक्ति। और आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है, बोले जथा लाभ संतोष, जीवन में जो लाभ हो जो मिला उसी में हम संतुष्ट रहे, जीवन में संतोष आ जाए, यही आठवीं भक्ति। हम संतुष्ट रहने लग जाएं, यही आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा। लेकिन शर्त क्या है, बोले इसमें भी शर्त है कि सपने हूं नहीं देखी परदोषा, दूसरे का दोष मत देखो, परदोष दृष्टि समाप्त हो जाए, यह शर्त है। और यही नहीं होता, दोष दिखता रहता है, सवेरे से शाम तक हम दूसरों में ही दोष देखते रहते, पर दोष दर्शन समाप्त हो जाए तभी जीवन में संतोष आएगा, और यही आठवीं भक्ति है। और यही गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव से कहते, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तो। तो ये आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति कहते नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति क्या है, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार अत्यंत सरल हो जाए। नवम सरल सब सन, सबसे हमारी सरलता का व्यवहार हो और हम छलहीन हो जाए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान कहते मेरा एकमात्र भरोसा हो, और किसी का भरोसा नहीं। जीवन सरल हो जाए, जीवन छलहीन बन जाए, और एकमात्र भगवान का भरोसा हो, ये नौवीं भक्ति है। इसको भगवान ने नौवीं भक्ति कहा। हमारे जीवन में सरलता नहीं आ पाती, और सरलता आना बड़ा कठिन है, इसलिए सरलता को नौवीं भक्ति की कोटि में रखा। अंतिम सोपान है, क्यों, बोले नौवीं भक्ति के बाद तो फिर भगवान आएंगे, नौ कन्याओं के बाद ही तो कर्दम महर्षि को कपिल भगवान मिले, वो नौ कन्याएं ही नवधा भक्ति का प्रतीक है। तो नौवीं भक्ति के बाद भगवत प्राप्ति,
और नौवीं भक्ति क्या है, बोले सरल होना, क्योंकि सरल को ही भगवान मिलते, सरल को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। और सरल होना, बोले सरल होना बड़ा कठिन है, विद्वान होना सरल है, ज्ञानी बन जाना सरल है, बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है, सरलता ही जीवन में नहीं आती, सरलता आ जाए तो भगवान का मिलना कठिन नहीं है। नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस, और एकमात्र भगवान का भरोसा, और हृदय में न हर्ष हो न दीनता हो, यही भक्ति का चरम है। हर्ष और दीनता दोनों न हो, इसका तात्पर्य बोले इस बात का हर्ष भी न हो कि हम अपने जीवन में सफल हो गए, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, खूब भगवान की उपासना हो रही, खूब भजन हो रहा, इसका हर्ष न हो। और दीनता बोले इस बात की दीनता भी न हो कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी ना आए, हर्ष और दीनता दोनों समाप्त हो जाए। इसी को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में भक्ति के सात साधनों का जब निरूपण किया है, वहां पर भगवान रामानुजाचार्य ने यही कहा, विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति ही। इन सात साधनों को भक्ति का जनक माना, और उन सात साधनों में विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण फिर अनवसाद और अनुद्धर्ष। अनवसाद का मतलब दीनता, ओ अदीनता, हमारे अंदर दीनता ना आवे, और अनुद्धर्ष अर्थात हमारे अंदर हर्ष और उत्कर्ष ना आवे कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, इसका उत्कर्ष न हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी दीनता भी न हो। नवम सरल सबसन छल हीना मम भरोस ही हरस नदी, नवम एकहुं जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। इन नौ भक्ति में एक भक्ति भी जीवन में आ गई तो भगवान कहते हैं हे भामिनी हे सबरी वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़, तुम्हारे अंदर ये समस्त भक्ति विद्यमान है। ये कह करके भगवान ने सबरी को आशीर्वाद दिया। फिर सबरी ने कहा प्रभु अब मैं जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा कहां जाना चाहती हूं? सबरी ने कहा आपके दर्शन के लिए मैं प्रतीक्षा कर रही थी, अब आपका दर्शन हो गया, अब मैं इस लोक को छोड़कर जाना चाहती हूं। कहां जाना चाहती हैं सबरी? स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक। तो सबरी ने कहा कि मैं न स्वर्ग जाना चाहती हूं न मैं वैकुंठ जाना चाहती हूं, मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में जाना चाहती हूं। ये गुरु निष्ठा थी, राम जी से एक ही। सबरी ने कहा कि तेषाम इच्छाम में हम गंतुम समीपम भावितात्मनाम, मेरे गुरुदेव जो थे श्री मतंग मुनि भावित आत्मा, मैं उनके चरणों को प्राप्त करना चाहती हूं, मुझे उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए, अब मैं वहां जाना चाहती हूं। इस प्रसंग को लेकर के हमारे आचार्यों ने यह अनुभव किया कि इस लोक में भी और परलोक में भी आचार्य का चरणारविंद ही शिष्य का परम आधार और परम आश्रय होता है, केवल लोक में ही नहीं परलोक में। परलोक में भी आचार्य की आवश्यकता पड़ती। हमारे यहां तो आचार्यों ने यहां तक लिखा
कि कोई जीव मुक्त होकर के जब भगवान के धाम जाता है तो द्वार पर उसे रोक दिया जाता है, बोले भीतर नहीं जा सकते। भगवान आते हैं, सेवक कहते हैं महाराज ये पुण्य कर्म करके, भक्ति करके, शरणागति करके माया बंधन से मुक्त होकर आपके धाम में प्रवेश का अधिकारी हो गया है। भगवान कहते हैं भले ये अधिकारी हो गया है, लेकिन जब तक इसके आचार्य की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक इसको वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आचार्य की जरूरत केवल यही नहीं पड़ती, वहां भी पड़ती। दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान रंगनाथ अपने पद को परम धाम को भी तब देते हैं, बोले देशिका देशकांक्षी, उसके जो आचार्य हैं उनके आदेश को प्राप्त करके ही उसे वैकुंठ में पहुंचे। परत्र चापी नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में वंदना करते हुए कहते हैं हे आचार्य चरण, आपकी आवश्यकता केवल इस लोक में ही नहीं है, परत्र चापी, यहां भी और परत्र माने परलोक में भी। नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम, जिन आचार्य का चरण मेरा शरण है, मदीय शरणम कहां, बोले अत्रापि और तत्रापि। इसलिए आचार्य के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सबरी की निष्ठा ऐसी ही अद्भुत निष्ठा है। सबरी ने कहा मैं अपने गुरुदेव के चरणों को प्राप्त करना चाहती, और ये कहते हुए सबरी ने सुंदर चिता बनाई। तामुवाच ततो राम सबरीं संसृतव्रतां अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम। भगवान ने कहा सबरी तुम्हारे द्वारा मैं अर्चित हुआ, पूजित हुआ, और मैं आशीर्वाद देता हूं गच्छ कामम यथा सुखम, तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, गुरु के चरण में बोले वहां तुम्हारी गति हो जाए, तुम वहीं चली जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इत्येव मुक्त्वा जटिला चीर कृष्णा जिनाम्बरा, जटाओं को धारण करने वाली चीर कृष्णा जिनाम्बरा सबरी अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुतासने, उस पवित्र चिता की अग्नि में सबरी प्रवेश कर गई और अपने शरीर को उस अग्नि में सबरी ने दग्ध कर दिया, और उसी समय दिव्य रूप धारण करके तत्पुण्यम सबरी स्थानम जगामात्म समाधिना, और सबरी को परम गति की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार सबरी को परम गति प्रदान करके भगवान वहां से आगे बढ़ते। सबरी ने पहले ही भगवान को बता दिया था यहां से आप आगे जाएंगे तो किष्किंधा पर्वत पड़ेगा, किष्किंधा पर वानर राज सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी और आपके कार्य में सुग्रीव सहयोग करेंगे, ये सब सबरी ने भगवान को बताया था। सबरी के परम धाम जाने के बाद भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण वहां से पुनः सीता जी का अन्वेषण करते हुए चल पड़े, पंपा सरोवर के तट पर आए। यहां पर अरण्य कांड की कथा पूर्ण होती है। इस अरण्य कांड का नाम है रत्नमेखला, इसका नाम है रत्नमेखला। ये अरण्य कांड भगवान के कमर की करधनी है, रत्न मेखला, और मेखला कहाँ रहती, बोले पेट में रहती, इसीलिए भक्तों ने कहा उदर बन्यो आरण्य। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में इस कांड को रत्न मेखला कांड कहा। ये रत्न मेखला के समान भगवान के श्री अंग में, भगवान के कमर में शोभित होती, ये किस अरण्य कांड की कथा। इसके बाद भगवान किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, ऋष्यमूक पर्वत की ओर भगवान आगे बढ़ते हैं। सताम पुष्करणीम गत्वा पद्मोत्पल झषाकुलाम रामः सौमित्र सहितो विललापाकुलेन्द्रियः, पंपा सरोवर को देखकर, वहां की वन की शोभा को देखकर राम जी को एक बार फिर सीता जी की याद आई और राम जी विलाप करने लगे।
लक्ष्मण जी ने समझाया और फिर प्रभु श्री राम वहां से आगे चलते हैं। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, ऋष्यमूक पर्वत सन्निकट आता है और फिर ऋष्यमूक पर्वत पर विराजमान सुग्रीव दूर से भगवान को देखते। दूर से जब सुग्रीव जी ने देखा तो सुग्रीव को लगा कि बाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए। सुग्रीव जी डर गए और सुग्रीव जी के पास ही हनुमान जी महाराज रहते, उनकी सेवा में। सुग्रीव जी की सेवा में हनुमान जी क्यों रहते थे? बोले हनुमान जी ने सूर्य भगवान से समस्त विद्याएं प्राप्त की थी। समस्त विद्या प्राप्त करने के बाद हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान से कहा कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? गुरु से अध्ययन करने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो सूर्य भगवान ने कहा यही दक्षिणा दो कि मेरे तेज से उत्पन्न जो सुग्रीव हैं, सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव, तुम उनकी सेवा में रहो और उनके सहयोगी बनो। और जब सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो जाएगा, उनका वैभव उन्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम मेरे ही कुल में उत्पन्न मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा में रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हो। सूर्य भगवान ने यही कहा था, इसलिए हनुमान जी महाराज वहां किष्किंधा में रह करके सुग्रीव जी के सहयोग में सारा कार्य करते रहते थे। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान लगता है बाली ने इन दोनों वीरों को भेजा है, धनुष बाण लेकर के इधर ही आ रहे हैं। मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है, पठये बाली हो ही मन मैला, लगता है बाली ने भेजा है, मेरे मन में ऐसा संदेह हो रहा, जाओ जाकर के देखो, सन्निकट जाकर के पता लगाओ, अगर पता लग जाए कि बाली ने भेजा है तो धीरे से इशारा कर देना, मैं तुम्हारे इशारे को समझ जाऊंगा और मैं यहां से भाग जाऊंगा। धरि पट रूप देख तुम जाई, धरि पट रूप देख तुम जाई, कहत जाने किए शयन बुझाई, कह सु जाने किए शयन बुझाई, पटे पठये बाली होई मन मैला, भागों तुरंत तजों यह शैला, तुरंत मैं पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा, इशारा कर देना। सुग्रीव जी भागने में बड़े कुशल हैं, इनके इतना दुनिया में कोई भागा ही नहीं होगा। कितना भागे? बोले महाराज आगे वर्णन आता है, सुग्रीव ने स्वयं बताया पृथ्वी का कोई कोना बचा नहीं जहां भाग करके सुग्रीव न गए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जब चारों दिशाओं में बानरों को भेजने का समय आया तो सुग्रीव ने बानरों को बैठाया और कहा देखो तुम सबको पूर्व दिशा में जाना। राम जी बगल में बैठे थे, लक्ष्मण भी बैठे, सुग्रीव जी ने वर्णन किया यहां से पूर्व दिशा में आगे जाओगे अमुक पर्वत मिलेगा, उसके बाद अमुक नदी मिलेगी, फिर अमुक नगर मिलेगा, फिर ये पर्वत मिलेगा, फिर ये क्षेत्र मिलेगा, फिर ऐसे करते करते पूर्व दिशा में जहां पृथ्वी की सीमा समाप्त हो जाएगी वहां तक तुमको ऐसे जाना। फिर पश्चिम का वर्णन, दक्षिण का वर्णन, उत्तर का वर्णन। राम जी ने कहा सुग्रीव ये सारा भूगोल तुमने कब पढ़ा?
ये सारा भूगोल का ज्ञान तुमको, कैसे कहाँ कौन सा पर्वत, कौन नदी, कौन सा क्षेत्र। तो सुग्रीव ने कहा, महाराज मैंने पढ़ा नहीं है, हमको जबरदस्ती पढ़ाया गया है। बोले किसने पढ़ाया? बोले मेरे भाई बाली ने पढ़ाया। बोले उसने पढ़ाया? बोले हाँ महाराज, जब वो मुझे मारने के लिए दौड़ाया तो मैं पूरब दिशा में भागता गया, वहाँ भी बाली मेरे पीछे पीछे, वहाँ से भागा पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, संपूर्ण पृथ्वी में उसने मुझे दौड़ाया। कोई ऐसा स्थान बचा नहीं जिस स्थान का मुझे ज्ञान न हो। और अभी एक बड़ी अद्भुत बात मुझे याद आई, एक बहुत अच्छे शोध छात्र हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर शोध किया है इस प्रसंग पर कि सुग्रीव जी ने जो भूगोल का वर्णन किया है वो भूगोल कितने अंश में आज उपलब्ध है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर शोध किया, जो पश्चिम का वर्णन है और पश्चिम में जितने पर्वत, समुद्र और जो जो पड़े उन सब का वर्णन करते हुए अमेरिका तक, उसके आगे तक का जो भूगोल है उस सब पर उन्होंने बहुत सुंदर शोध किया है और बड़े प्रामाणिक रूप से किया है। और जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है यथावत उन्हें वो सब चिन्ह और वो स्थान प्राप्त हुए। उसमें बहुत से नाम आज भी वही हैं जो नाम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव ने बताया है। तो सुग्रीव जी ने कहा, सुग्रीव जी भागने में बड़े कुशल, इनकी इतना कोई भागा ही नहीं होगा दुनिया में जितना इन्होंने भागा। एक ने कहा ये तो बड़े भागे हैं। बोले भागे हैं लेकिन अभागे नहीं, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि भले सारी दुनिया में भागे लेकिन अंत में भागकर राम जी की ही शरण में आए, राम जी की शरण में पहुंचे, इसलिए इनका परम सौभाग्य है। सुग्रीव ने कहा देखो जा करके, अगर बाली ने भेजा होगा तो हम यहां से भाग जाएंगे। बरायुध धरौ वीरौ सुग्रीव संकितो भवत। सुग्रीव को शंका हो गई। हनुमान जी ने सुग्रीव की आज्ञा मानकर भिक्षु रूप धारण किया। भिक्षु माने ब्राह्मण। ब्राह्मण का रूप धारण करके चकार गमने बुद्धिम यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। जहां पर भगवान श्री राम थे उधर से आ रहे थे। हनुमान जी महाराज ने भिक्षु रूप धारण किया। कपि रूपम परित्यज्य, अपने बानर रूप को त्याग दिया। हनुमान मारुतात्मजः, पवन पुत्र हनुमान ने अपने बंदर रूप को त्याग कर भिक्षु रूपम ततो भेजे, भिक्षु रूप धारण किया भगवान के पास जाने के लिए। ये बात वाल्मीकि जी को अच्छी नहीं लगी। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान से कपट नहीं करना चाहिए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कपट क्या है? बोले अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर बनावटी रूप प्रस्तुत करना, इसी का नाम कपट है। हनुमान जी महाराज ने अपने वास्तविक रूप को छिपा दिया और भिक्षु रूप धारण किया। भगवान से ये कपट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को कहा कि भिक्षु रूपम ततो भेजे। हनुमान जी ने भिक्षु रूप धारण किया। क्यों? बोले सठ बुद्धि तया कपि ही, बानर हनुमान की बुद्धि जो है वो सठ हो गई। सठ बुद्धि तया, हनुमान जी को, जिन हनुमान जी को ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम कहा, जिनको स्तुति करते समय बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा, उन्हीं हनुमान जी को वाल्मीकि जी कहते हैं सठ बुद्धितया। बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं कहा, सठ बुद्धितया। ये सठ बुद्धि हो गई हनुमान जी की, भगवान से कपट कर रहे। भगवान के सामने जैसे हो उसी प्रकार जाना चाहिए। हनुमान जी आए। ततश्च हनुमान वाचा श्लक्षणया सुमनोज्ञया, हनुमान जी आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के चरणों में जो ही प्रणाम किया भगवान जान गए। भगवान तो ऐसे भी सब जानते हैं,
लेकिन भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान जान गए देखो बनावटी चीज तो बनावटी ही होती, बनावटी का भेद खुल जाता है। क्या जान गए राम जी? बोले राम जी जान गए ये असली ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का वेश बना करके तो आए हैं लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। अगर इनका स्वभाव ब्राह्मण होता, ये स्वाभाविक ब्राह्मण होते तो ये मुझे प्रणाम न करते, मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण होकर के मुझे प्रणाम कर, मैं ही इनको प्रणाम करता। और एक बार भी इन्होंने मेरा गोत्र नाम कोई परिचय भी नहीं पूछा और प्रणाम कर लिया, क्योंकि भिक्षु का रूप तो धारण किया हनुमान जी ने लेकिन वो स्वभाव नहीं आया। तो श्रीमंतौ रूप संपन्नौ वृषभ श्रेष्ठ विक्रमौ हस्ति हस्तोपम भुजौ द्युतिमंतौ नरर्षभौ, आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा भगवान श्रीमान ऐसी रूप संपन्नता से युक्त आप दोनों कौन हैं? आपकी ये भुजाएं बड़ी सुंदर हैं। आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमा, परिघ के समान आपकी ये जो भुजाएं हैं। सर्वभूषण भूषारहाः, भगवान के अंग प्रत्यंग को देखकर हनुमान जी ने कहा हे प्रभु आपके इन अंगों को देख करके ये अनुभव हो रहा है कि इन अंगों पर सुंदर आभूषण होना चाहिए। सर्वभूषण भूषारहाः, ये भूषणों के द्वारा भूषित योने होने योग्य अंग है। अब यहां पर हनुमान जी का भाव दूसरा, आपको अपने इन अंगों में आभूषण धारण करना चाहिए। क्यों? बोले आभूषण धारण करने का दो प्रयोजन होता है। आभूषण और श्रृंगार का एक प्रयोजन ये होता है कि अपनी कुरूपता को छिपाना। कुछ लोग आभूषण और श्रृंगार इसलिए करते हैं कि उनकी जो कुरूपता है वो छिप जाए। काले हैं क्रीम लगा लिया गोरे हो गए, अर्थात श्रृंगार अपनी कुरूपता को ढकने के लिए। तो जो कुरूप हैं वे श्रृंगार करते हैं तो अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए। राम जी तो कुरूप नहीं, फिर हनुमान जी कहते हैं आपको आभूषण धारण करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। पर प्रयोजन क्या है कहने का? बोले प्रयोजन ये है कि हनुमान जी ये कहना चाहते हैं प्रभु कुछ लोग श्रृंगार इसलिए धारण करते हैं कि उनकी कुरूपता छिप जाए, लेकिन आपको श्रृंगार इसलिए धारण करना चाहिए कि आपका सौंदर्य छिप जाए। क्यों? बोले आपके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं अगर ये आभूषणों से ढके नहीं रहेंगे, प्रत्यक्ष किसी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी तो आपको किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए आपको आभूषण धारण करना चाहिए, अपने अंगों को आच्छादित करके रखना चाहिए। सर्वभूषण भूषारहा, किमर्थम न विभूषिताः, आपने अपने इन अंगों को आभूषणों से विभूषित क्यों नहीं किया? आपको अपने इन अंगों को आभूषण से विभूषित करके रखना चाहिए। इसी श्लोक को हमारे आचार्यों ने मंगलाशासन माना है। हनुमान जी महाराज भगवान के अंग को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर भयभीत होते हैं, प्रभु इतने सुंदर हैं कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए, इनको आभूषण धारण करके अपने अंगों को आच्छादित करके रखना चाहिए। और ये कहते हुए हनुमान जी ने भगवान का मंगलाशासन किया, हे प्रभु आपका मंगल हो। हनुमान जी के द्वारा भगवान का मंगलाशासन हुआ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान ने अभी हनुमान जी से बात नहीं की। हनुमान जी कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी से बात करें, हनुमान जी लक्ष्मण जी का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन राम जी बोले राम जी केवल सुन रहे हैं, अभी तक हनुमान जी से बात नहीं की। क्यों नहीं बात किया? बोले हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए,
कपट वेश धारण करके आए, भिक्षु का रूप धारण करके आए, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगा। पूरी वार्ता हो गई, वार्ता जब पूरी हो गई तो भगवान ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन डायरेक्ट हनुमान जी से नहीं, लक्ष्मण जी से की। अभी भी भगवान हनुमान जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, क्योंकि हनुमान जी ने अभी भी वो भिक्षु रूप धारण कर रखा है, अभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये बड़े अच्छे हैं और इनकी वाणी को सुनकर के मुझे लगा, ये अनुभव हो रहा है कि इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया है। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, इन्होंने संपूर्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया है। ना साम वेद विदुषः, इन्होंने साम वेद का भी अध्ययन किया है। कैसे मालूम? तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जो व्यक्ति ऋग्वेद नहीं पढ़ा होगा, जो यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया होगा, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया होगा, वो व्यक्ति ऐसी सुंदर वाणी नहीं बोल सकता जैसी सुंदर वाणी ये हनुमान बोल रहे हैं। इतनी बड़ी प्रशंसा भगवान ने हनुमान जी की, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण इतना ही नहीं, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम, और केवल वेद ही नहीं, वेद का मुख जो व्याकरण है, उस व्याकरण शास्त्र को भी इन्होंने एक बार नहीं, अनेन बहुधा श्रुतम, अनेक बार इन्होंने व्याकरण शास्त्र को पढ़ा है, क्योंकि इनकी वाणी में कहीं भी विचलन, विघटन, स्खलन, कोई दोष दिखाई नहीं पड़ा। बहुव्याहरता अनेन न किंचित अपशब्दितम, बहुत बोलने के बाद भी इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला, कोई अशुद्ध शब्द नहीं निकला। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी सावधान रहे, लेकिन अधिक बोलते समय कहीं न कहीं उससे गलती हो ही जाती है। व्याकरणगत गलती जो होगी वो तो होती ही है, कहीं न कहीं चूक हो जाती है। संतों ने तो यहां तक कहा कि अधिक बोलने वाले से तीन गलती तो होती ही है। क्या बोले? अधिक बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं उससे झूठ निकल ही जाता है, पहली गलती। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, न चाह करके कहीं ना कहीं से उसको अपनी प्रशंसा आई जाएगी, अपनी प्रशंसा कर डालेगी। और अधिक बोलने वाला व्यक्ति न चाह करके भी दूसरे की निंदा करता है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, असत्य भाषण, ये तीन दोष अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति में स्वाभाविक पाया जाता है। लेकिन हनुमान ने इतनी वार्ता की, बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। इसके बाद भी बहुत बोलने वालों में कुछ और भी कमियां होती। बोले क्या? बोले मुख में उनके विकार होता। क्या विकार? बोले बहुत बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी मुंह को टेढ़ा भी करता है, कभी ऐसे सिर करता है, कभी ऐसे ऐसे आंखें ओंखें चलने लगती हैं, कुछ ऐसी गतिविधि उसके शरीर में होती रहती। राम जी कहते हैं कि न मुखे नेत्रयोश चापी ललाटे च भ्रुवोस तथा। इतनी देर तक हनुमान जी ने वार्ता की, लेकिन इनकी पलकों में, इनकी भ्रुवों में और इनके मुख में किसी प्रकार का विकार नहीं दिखाई। सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित् अन्येष्वपि, अन्यत्र ये सब दोष लोगों में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये दोष इनमें नहीं। इतनी बड़ी प्रशंसा भगवान ने की, लेकिन हनुमान जी से बात नहीं। हनुमान जी ने सारी बात बताई, हम सुग्रीव के सचिव हैं और सुग्रीव दीनहीन है, उनकी पत्नी का उनके भाई ने, बाली ने हरण कर लिया है, ये सब बताया।
आपकी उनसे मैत्री हो जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा और मैं आपको लेकर के चलूँगा। ये सब कहते हुए तब हनुमान जी महाराज ने अपने वो कपि भिक्षु रूप का त्याग किया। भिक्षु रूपम परित्यज्य बानरम रूपमास्थितः, अपने भिक्षु रूप का त्याग करके जब अपने बानर रूप में हनुमान जी महाराज आ गए तब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हनुमान तुम कुशल तो हो, जब तक उस कपट रूप का त्याग नहीं किया तब तक भगवान ने वार्ता नहीं। ठाकुर रघुनाथ जी बड़ी मर्यादा का ख्याल रखते, एक महात्मा तो कह कह करके रोते थे महाराज हमारी अयोध्या। वो कहते थे कि झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, साच ही कलंकी को कैसो हूं अपनाएंगे। इतना भी मत उन्मत्त हो जाओ कि तुम कुछ भी करो ठाकुर तुम्हें स्वीकार कर ले। यद्यपि ठाकुर करुणा वरुणालय हैं लेकिन ठाकुर का यह भी एक स्वभाव है कि झूठा कलंक सीता जी को लगा तो उन्हें त्याग दिया। झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, तो सांच ही कलंकी को कैसो अपनाएंगे। हम तो सच्चे में कलंकी, कैसे ठाकुर अपनाएंगे। इसलिए अपने जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। दुर्गुणों का त्याग करते हुए सद्गुणों का आधान जीवन में करते रहना चाहिए। कपि रूप का जब त्याग कर दिया, ओ भिक्षु रूप का त्याग कर दिया हनुमान जी ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, चलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा, ऐसे आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? बोले पर्वत पर चढ़ के जाना। बोले धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, बहुत श्रम होगा और बहुत कठिनाई होगी, आप हमारे कंधे पर बैठो, मैं आपको लेकर के चलता हूं। पृष्ठमारोप्यतौ वीरौ जगाम कपि कुंजरः, कंधे पर बैठाया। हनुमान जी ने कहा, एक कंधे पर आप बैठ जाओ, एक कंधे पर लखनलाल बैठ जाओ। एक कंधे पर राम जी बैठे, एक कंधे पर लखनलाल, एक चरण आगे। और जो चरण आगे, उस चरण को हनुमान जी ने अपने हाथ से पकड़ रखा है। एक हाथ से राम जी का चरण, एक हाथ से लक्ष्मण जी का चरण। भगवान ने और लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के सिर को पकड़ रखा है अपने दोनों हाथों से। हनुमान जी भगवान को लेकर के किष्किंधा पर्वत पर चढ़ने के लिए जब उद्यत हुए तो भगवान ने कहा, हनुमान पर्वत पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। सनैः कंथा सनैः पंथा सनैः पर्वत लंघनम, नीति कहती है कि सनैः कंथा, कंथा बोले तो पुराने जमाने में पुराने पुराने कपड़ों को लोग फेंकते नहीं थे, धो धो करके रखते जाते थे, फिर समय आने पर उसको एक के ऊपर एक सिल करके फिर सुई से उसको बढ़िया बिस्तर बना लेते, जिसको कंथा कहते। तो कंथा एक दिन में नहीं बनता था, वर्षों के पुराने कपड़े संग्रह करने पड़ते थे तब बनता था, तो धीरे धीरे बनता था। सनैः कंथा सनैः पंथा, यात्रा करनी हो तो मार्ग धीरे धीरे व्यतीत होता, जल्दबाजी करो तो थक जाओगे, धीरे धीरे यात्रा करे तो बड़ी यात्रा भी पूरी हो जाती। सनैः कंथा सनैः पंथा सनैः पर्वत लंघनम, और पर्वत पर चढ़ना होगा तो वहां भी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। पर्वत पे जल्दबाजी में चढ़े और कहीं पैर सरक गया तो जितना चढ़े नहीं उससे ज्यादा नीचे चले जाओ। इसलिए सनैः कंथा सनैः पंथा सनैः पर्वत लंघनम, सनैः वित्तम सनैः विद्या, और धन भी धीरे धीरे व्यक्ति कमाता है। एक ही दिन में बहुत बड़ा धनवान बनने की जो चेष्टा करेगा वो बहुत बड़ा पाप करेगा, बहुत बड़ा गलत काम करेगा। आजकल लोग इसी चक्कर में क्या नहीं कर डाल। धन प्राप्त करने के लिए भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और विद्या प्राप्ति में भी धीरे धीरे आगे बढ़ना। एक दिन में ही सारी विद्या प्राप्त नहीं हो जाती, जीवन पर्यंत स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा विद्या ग्रहण किया जाता है। तो भगवान ने कहा, हनुमान इस पर्वत पर चढ़ना बड़ा कठिन है, व्यक्ति स्वयं नहीं चढ़ सकता और तुम दो लोगों को कंधे पर बैठा करके चलोगे, कहीं गिर गए कुछ हुआ तो। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके कंधे पर भगवान बैठे हों उसको गिरने का क्या डर, और भगवान ही नहीं भगवान के साथ भगवान के भक्त भी विराजमान हो, और इतना ही नहीं जिसके सर पर भगवान का हाथ हो और जिसके सर पर भगवान के भक्त का हाथ हो उसको गिरने का क्या डर।
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे दिल बने के काम फिकर फिर क्या करना, तेरे दिल बने के काम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका कर कमल मेरे सिर पर, फिर मुझे क्या फिकर करना, क्या चिंता है। और हनुमान जी ने एक छलांग लगाई जय श्री राम कहते हुए, और हनुमान जी महाराज सीधे किष्किंधा पर्वत के शिखर पर पहुंचे, सुग्रीव के सामने भगवान को लेकर के पहुंचे। सुग्रीव ने भगवान का स्वागत किया और सुग्रीव जी ने पेड़ की एक डाली तोड़ी और एक विशाल डाली तोड़ करके रख दिया, कहा बैठो इसी पर। वहां कुर्सी सोफा थोड़ी था, वानर भालू ऐसे ही सेवा करते। सुग्रीव जी ने एक पेड़ की डाली तोड़ करके रख दी और कहा इसी पे बैठो, यही आसन है, क्योंकि बंदर उसी पे बैठते थे। भगवान श्री राम विराजमान हुए और फिर सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी करके भगवान को अपना मित्र बनाया। ततोऽग्निम् दीप्यमानम् तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्, अग्नि की स्थापना की सुग्रीव ने और फिर अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव जी ने राम जी से मैत्री की और राम जी का हाथ पकड़ करके सुग्रीव जी, भगवान श्री राम और सुग्रीव दोनों अग्नि की परिक्रमा करते हैं। चक्रतुस्त प्रदक्षिणा, अग्नि की परिक्रमा करके मैत्री संबंध को दृढ़ किया है। और ये मैत्री दृढ़ इसलिए हुई कि दोनों की स्थिति एक समान थी। समान शील व्यसनेषु मैत्री, समान शील गुणधर्म में ही मैत्री होती। क्या समान शीलता थी, बोले राम जी का भी राज्य चला गया है, सुग्रीव का भी राज्य चला गया, राम जी की भी पत्नी का हरण हो गया है और सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव भी दुख प्राप्त कर रहे हैं एक सहयोगी हनुमान जी के, और भगवान की भी यही स्थिति है, लक्ष्मण एक सहयोगी और राम जी दुखी हो रहे, दोनों के गुणधर्म लगभग परिस्थिति स्थिति समान ही थी। और मैत्री हुई और उस मैत्री में भगवान ने वचन दिया, कहा सुग्रीव अब आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख, मित्र का दुख अपना दुख समझना चाहिए, और आज से हे मित्र तुम्हारा दुख मेरा दुख है, और मैं वचन देता हूं तुम निश्चिंत हो जाओ। सखा सोच त्यागहुं बल मोरे, सब विधि घटब काज में, अब तुम सोच त्याग दो मेरे भरोसे, मैं तुम्हारे सर्वविध अनुकूल होकर तुम्हारे संपूर्ण कार्य का साधन करूंगा। सुग्रीव ने कहा महाराज मेरा भाई बाली बड़ा बलवान है, उसने हमको बहुत मारा है, मैं तो छिप करके किष्किंधा में रहता हूं, किष्किंधा के बाहर जाऊं तो मुझे मार देगा, और यहां वो आ नहीं सकता इसलिए मैं सुरक्षित हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव सुन, सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा, चिंता मत करो। बोले महाराज वो बड़ा बलवान है,
भगवान ने कहा ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी अगर वो जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, मैं उसे मार दूंगा निश्चिंत। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान के वचनों को सुनकर सुग्रीव के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ और सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे बामानी नेत्राणि समम स्फुरंती। कहते हैं इधर जब सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता हुई, सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे बामानी नेत्राणि समम स्फुरंती। सुग्रीव जी की और राम जी की जब मैत्री हुई तो वहां पर सीता जी के अंग फड़कने लगे, अर्थात इस मैत्री का परिणाम मंगलमय होगा यह संकेत हुआ। वाल्मीकि जी कहते हैं अब सुग्रीव जी से भगवान की मैत्री हुई, आगे प्रसंग आता है। भगवान ने बाली का वध किया और बाली वध के पश्चात सुग्रीव को राज्य दिया। सुग्रीव राज्य पाकर के भगवान के कार्य को भूल गए, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा। फिर सुग्रीव सावधान हुए, बानरों को बुलाया। कथा तो बहुत है, अब केवल सूत्र बता देते हैं कि फिर तो सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाकर चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान इत्यादि बानर गए हैं, लंका तक जाकर के जानकी जी का पता लगाया, आकर के बताया। फिर भगवान ने बानरी सेना लेकर के समुद्र पर सेतु बांधा और समुद्र पर सेतु जब बांधा फिर सारी बानरी सेना पार हुई। भगवान श्री राम का रावण के साथ द्वैरथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान ने असुरों का संहार किया और भगवान ने रावण का वध किया। रावण वध के पश्चात विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हो गया और भगवान श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा लेकर बानरों के सहित पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अयोध्या पधारे। अब भगवान को अयोध्या ही पधारना है थोड़ी देर में, हमारे ठाकुर जी अयोध्या पधारेंगे, तैयारी है। तो अयोध्या तो पधराना ही पड़ेगा ठाकुर जी, क्योंकि राम जन्म महोत्सव और चैत्र के शुक्ल पक्ष में ही भगवान का अयोध्या आगमन भी हुआ था वन यात्रा के बाद, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की दसवीं को राम जी का वनवास हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की दसवीं को ही पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक की चर्चा दशरथ जी ने की थी और राज्याभिषेक के जगह वनवास हो गया। तो चैत्र के शुक्ल दसवीं से 14 वर्ष कब पूरा होगा, बोले जब चैत्र शुक्ल दसवीं आएगी। तो चैत्र के महीने में ही राम जी लौट करके अयोध्या पधारे और आज 9 वर्ष नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। भारतीय संवत्सर का 9 वर्ष आज प्रथम दिन है, नवरात्र प्रारंभ है, चैत्र का महीना है और इस समय तो अयोध्या में उत्सव ही उत्सव है महाराज। गली गली में आनंद बधाई चल रही है, तो ठाकुर जी भी आज हमारे पधारेंगे अवध। तो आज कथा को यहीं विराम देंगे, भगवान अपने परिकरों के सहित अयोध्या पधारे। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा गया किस मुहूर्त में भगवान का राज्याभिषेक हो, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अब राम जी आ गए हैं, अब इसी समय इनका राज्याभिषेक हो जाए, अब मुहूर्त मुहूर्त की जरूरत नहीं। और उसी समय राम जी को सिंहासन पर विराजमान किया और गुरुदेव वशिष्ठ ने दिव्य किरीट मुकुट जो रघुकुल में परंपरा से चला आया था, उस किरीट मुकुट को भगवान के मस्तक पर गुरुदेव वशिष्ठ ने धारण कराया, मस्तक पर तिलक किया, सभी ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया और राम जी का अयोध्या के रत्न सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। बारी बारी आरती उतारी।
अभिषेक हुआ और अयोध्या में बधाई गाई गई। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बजे। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बजैया। अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में
शिव जी का वे राम कथा नि